थे, मुझे अच्छे से याद है अनुराग भदौरिया जी, दसियों साल हो गए आपके साथ बहस करते हुए, यही कह रहे थे कि बीजेपी वर्सेस जनता है। 30 सेकंड ओवर, 30 सेकंड। अब क्या गलत कह रहा था? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन इस बार नया क्या है? अरे उस वक्त तो चेहरा था ना सर, यही तो मुद्दा, चेहरा था ना भारतीय जनता, पिछली बार तो चेहरा था ना, इस बार चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी, तो वो तो हर बार लड़ती है ना सर, चेहरा कौन है ये बताइए ना, हमारे यहाँ लोकतंत्र, चेहरों की कमी नहीं है, ये कहिए लोकतंत्र नहीं है, कंफ्यूजन है सर, बीजेपी की हार तय है, अरे होने दीजिए मुझे, बीजेपी की हार और जीत से क्या वास्ता है, बीजेपी नहीं जीत, मैं ना बैटिंग कर रही हूँ ना बॉलिंग कर रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ, जीतने वाली मैं सवाल कर रही हूँ, बीजेपी नहीं जीत, अरे सर ना जीते बीजेपी उससे क्या मतलब है, सवाल का जवाब उससे क्या मतलब है, मेरा सवाल ये है तो कि जनता के बीच नेता कौन सा जाएगा, कर रही है कि कौन जाएगा, चेहरा कौन जाएगा, चिल्ला रही है आप, थोड़ी बीजेपी में है, अरे मैं, अरे सर मैं यहाँ स्टूडियो में हूँ, आप मुझे बताइए, मैं सवाल पूछ रही हूँ, उसमें आपको दिक्कत क्यों हो रही है, जैसे मैंने बीजेपी की, अरे मैं कोई परेशान नहीं हो रही हूँ सर, आपके लाल लाल टमाटर जो थे वो टमाटर लेकर मैं ही, वो टमाटर का क्या जो दाम है वो लेकर मैं ही गई थी बीजेपी के पास, समझ गया, लोकतंत्र पे विश्वास है, पूरा विश्वास है, इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूं है ना? नहीं ये बताइए, हाँ या ना, तो सवाल पूछ रही हूं तो विश्वास है, तो हमारे विपक्ष में लोकतंत्र है, बताइए विपक्ष में लोकतंत्र है, कई नेता हैं, कई चेहरे हैं, तो मुझे ये बताइए, अच्छा एक सेकंड, बाद में अपना नेता तय होगा, क्या दिक्कत है उसमें, कैसे होगा, फॉर्मूला क्या है, कैसे तय होगा, फॉर्मूला बताइए मुझे, अरे वो आपको बता दे फॉर्मूला, वो हम विपक्ष के लोग आपस में बैठ के लड़, आप पूछ रहे हो कि अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन, अरे हम मिलके लड़ेंगे, आप परेशान क्यों हो, हम मिलके लड़ेंगे, फॉर्मूला से आपको क्या लगता है, कैसे बताइए ना, कैसे लड़ेंगे, अपने बना के फॉर्मूला, मिलके लड़ेंगे, फॉर्मूला बताइए ना, बीजेपी को, अरे आपको क्यों बता दूं कैसे लड़ेंगे, कौन सीट पे कौन लड़ेगा, आपको बता दें, आपको बता दें कौन सीट पे कौन लड़ेगा, जनता सुन रही है, मुझे मत बताइए ना, जनता जनता सुन रही है, जनता को बताइए ना, जनता को बताइए फॉर्मूला क्या होगा, कैसे लड़ेंगे, जनता जनता जानती है, तो जनता को पता है, आप परेशान क्यों हो रहे, चुनाव आएगा जनता को पता चल जाएगा कौन सीट से कौन लड़ रहा है, अरे मैं परेशान नहीं, मेरे सवाल से आप परेशान हो रहे हैं, आपके पास फॉर्मूला नहीं है, कौन सीट से आप मुझे परेशान बता रहे हैं, अरे फॉर्मूला क्या है, आप बगैर परेशान हुए बता दीजिए ना, आप बीजेपी की कौन सीट से कौन लड़ेगा पता है आपको, अभी बीजेपी बता देगी किसके साथ गठबंधन करने वाली है, बीजेपी में इतने सारे, बीजेपी में इतने सारे स्टार चेहरे थोड़ी है, जैसे आप लोग स्टार चेहरे में गिरा देती हूँ, ना 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 ना, अब नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं, अब मेरी बात सुनिए, आपके पास स्टार चेहरा है, आपका नेता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी स्टार चेहरा है, एनसीपी के शरद पवार स्टार चेहरा है, यहाँ राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार चेहरा है, वहाँ नीतीश बाबू जेडीयू के स्टार चेहरा है, अरे क्या इधर से उधर कर रहे हैं, मैं आपके लोगों को स्टार चेहरा बता रही हूँ, क्यों परेशान हो रहे हैं, अरे बताइए ना फॉर्मूला, बताइए ना काहे परेशान हो रहे हैं, फॉर्मूला बताइए ना, अरे मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी कौन, कि उनके पास एनसीपी भी आ गई, शिवसेना भी आएगी, कौन सीट से कौन लड़ेगा बताइए, बताइए उनसे, के शर्मा जी बताइए।